बहुत अच्छी और फर्स्ट एपिसोड में ही इतना सारे एक्टरों ने क्या बोलते हैं बहुत बहुत लेयर्ड काम किया है, तो ऐसा लगता है कि अभी फर्स्ट एपिसोड में जो मैंने एक शो किया था अदालत, उसमें मेरा कैरेक्टर था केडी पाठक, उसमें केडी पाठक की एक लाइन थी कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो इस शो में ऐसा लग रहा है कि जो भी जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, तो बड़ा सस्पिशियस सा, बड़ा एक एनिग्मेटिक, सारे कैरेक्टर्स बड़े एनिग्मेटिक हैं और इजाज इज वेरी गुड एज अ कॉप, ऑल द एक्टर्स आर माइंड ब्लोइंग और बस थर्ड में की इंतज़ार कर रहा हूँ और सात स्पेशल्स पे मैन एग्री सिटी ऑफ ड्रीम्स एक्साइटेड टू वॉच द शो। जी सॉरी, जी कितना इफेक्ट कर पाएगी लोगों के बीच, कितनी खरी उतर पाएगी? भाई बहन की कहानी के अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ हैं इसमें, जैसे कि मैं कह रहा था बहुत लेयर्ड शो है। तो फर्स्ट एपिसोड देख के पता चलता है कि हर कैरेक्टर की अपनी एक कहानी होगी, हर कैरेक्टर का अपना एक पास्ट होगा, हर कैरेक्टर की अपनी डायनामिक्स होगी दूसरे कैरेक्टर्स के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बहन की कहानी तो है ही, पर उसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं इस कहानी में। ये पता नहीं According to me, sorry. According to you, what's your perspective about this web series? कुछ एक impact गिरेगा elections के ऊपर? नहीं, मैं comment नहीं करना चाहता उसमें। Okay. Thank you. Sir, elections का माहौल है, voting कम होती है, लेकिन उसके लिए कुछ अपील करना चाहते हैं? कर चुका हूँ, सोशल मीडिया। आप क्यों नहीं देख रहे हैं? अब अंदर क्यों नहीं है? तो जैसे ट्रेलर से लोगों ने गेस कर ही लिया है कि पॉलिटिकल थ्रिलर है, ड्रामा है, और मेरे ख्याल से नागेश कुकनूर सर का आप टेस्ट जानते ही हैं, बहुत रियल, बहुत ही यू नो रिलेटेबल स्टोरीज होती हैं, तो आई थिंक यू शुड एक्सपेक्ट दैट। एंड सर जब थ्रिल करते हैं तो द ट्विस्ट, बिकॉज अगर आपने तीन दीवारें सर की देखी हो, वन ऑफ माई फेवरेट, पर्सनल फेवरेट फिल्में, जहाँ पता ही नहीं लगता है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो गोइंग बाय दिस फिल्म, मुझे लगता है क्योंकि पॉलिटिक्स हमारी कंट्री में, जैसे क्रिकेट बहुत फेमस है वैसे पॉलिटिक्स इतना फेमस है, सो व्हाट बेटर कॉम्बिनेशन देन पॉलिटिक्स। एंड आई थिंक थोड़ा लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि ये स्टोरी लूजली किसके ऊपर बेस्ड होगी, आई डोंट नो, बट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि यार बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स है हमारी कंट्री का, और ये एक स्लाइस फ्रॉम दैट है कि कितना दिमाग, कितना आपको चेस जैसा खेलना पड़ता है to be successful in politics, and ruthless तो नहीं बोलूँगी, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ जीतना चाहते हैं, तो I think ये थोड़ा सा politics of life के बारे में। जी सचिन सर के साथ मैंने मेरे सीन्स उनके साथ नहीं है, पर मैं उनको जानती हूँ एंड मैंने उनका बहुत काम देखा है ऑफकोर्स, सो आई थिंक ही कम्स विद, ही इज़ अ वेरी गुड सोल, इवन ऑफ कैमरा, ऑफ सेट भी जब आप उन्हें मिलेंगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड वेरी हम्बल, वेरी स्माइलिंग, एंड आपको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होगा कि ये इंसान इतना पावर हाउस ऑफ टैलेंट हो सकता है जब स्क्रीन पे आते हैं, एंड बिल्कुल मैजिक, गुस्से वाले सीन में आप रियली डर जाते हो, तो या मेरे दोस्त, थैंक यू, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं वो एक क्वेश्चन आंसर कर करके थक चुकी हूँ कि गंदी बात करके आपको कैसे लगा। शुक्र है कि किसी ने कुछ और पूछा, क्योंकि मैंने स्त्री भी की है, स्त्री के बाद गंदी बात किया, इसके बाद सिर्फ ड्रीम्स आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मैं हमेशा बोलती हूँ कि 10 साल के बाद जब मैं अपना करियर
मुड़ के देखूँगी तो मुझे खुद को मज़ा आना चाहिए कि यार मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई की और ये उसमें से एक एग्जांपल है. सीज़न वन तो आ ही रहा है थर्ड में एंड आई होप दिस ग्रोज. थैंक यू सो मच. किस तरह की रिव्यू है इसके बारे में? सी आई एम फ्रॉम मुंबई सो वन थिंग इज़ नोइंग मुंबई पॉलिटिक्स फ्रॉम दैट क्लोज क्वार्टर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मुंबई कार एंड नोइंग द पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड ऑफकोर्स यू कैन रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड हियर एंड ऑफ स्क्रीन एंड इन रियल लाइफ एंड बट द रिव्यू ऑल इन ऑल इज़ इट्स सो सो क्लोज टू रियलिटी दैट आई फेल्ट एज इफ आई वॉज watching a docudrama based on reality, real incident. Though it's fiction, but still it was beautiful. मैं तो एक्टर बनने के अलावा आई ओ एवरीथिंग टू दिस सिटी बिकॉज माई ग्रैंड फादर केम फ्रॉम पंजाब. ही सेटल्ड इन मुंबई एंड ही वॉज वन ऑफ द डेवलपर्स ऑफ द सिटी. माई फादर वॉज बॉर्न हियर. My whole, my brothers, sisters, my cousins, everyone was born here. So every dream that has been fulfilled by this city. So everything that I dream of, I do. And sometimes I just feel like spending time with my city. I just go and spend it in any nook and corner I want. मुझे नहीं लगता कि इस वेब सीरीज़ में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ तवज्जो दी गई है जहाँ तक मैंने देखा है और जहाँ तक मैं इस वेब सीरीज़ के बारे में जानती हूँ. बट हाँ, इलेक्शंस आर वेरी इम्पोर्टेंट टू आर कंट्री, टू एनी कंट्री फॉर दैट मैटर. सो इलेक्शन के वक्त इस वेब सीरीज़ का रिलीज़ होना विल नॉट बी इम्पैक्टफुल ऑन एनी पार्टीज़ इलेक्टोरल रिजल्ट्स, बट डेफिनेटली पीपल विल think about how important this is for the churning of the city. So people will definitely know a lot more about politics than they did. हाँ, मैं एक मेरी एक वेब सीरीज़ अभी रिलीज़ हुई थी. हम अभी उसके बाद मेरी एक वेब सीरीज़ आ रही है उड़न पटोला और मे बी सिटी ऑफ ड्रीम्स 2 में शायद नज़र आ जाऊँ. थैंक यू. एक्साइटेड. आई एम been watching Hotstar specials. The previous show that they did, Criminal Justice, मेरे को बहुत अच्छा लगा. और next show जो है इसके बाद City of Dreams के बाद जो आ रहा है वो है Hostages, जो मेरा show है, which I'm very very excited for. And अब IPL चल रहा है and IPL के बीच में ये सारे shows आ रहे हैं, so that is really really great timing. और नागेश कुकुनूर हैं जो सिटी ऑफ ड्रीम्स के डायरेक्टर, उनके साथ मैंने काम किया है एंड ही इज़ सच अ फाइन डायरेक्टर. इतना प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड डायरेक्टर है एंड अप्लॉज जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है, दे आर जस्ट द बेस्ट गाइज. प्रोमो कैसा लगा? प्रोमो में कहानी से बताई गई है, फैबुलस, बहुत अच्छा. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर कॉन्टेंट इन इंडिया. वो कहानियाँ जो अब तक कोई माध्यम नहीं था उनके लिए. Hi. Not at all. वो कहानियाँ जिनके लिए कोई माध्यम नहीं था बताने के लिए, वो अब एक माध्यम आ गया है बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक हॉटस्टार. ऑलमोस्ट द एंटायर कास्ट, सो फैबुलस. हाँ, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं. आई बीन बिजी विद राइटिंग सम स्टफ, तो थोड़ा थोड़ा, नॉट टू मच. धोनी टीम CSK. Please vote. This is the way to go. If you want the right leader, it's your right to have it. Vote. Hotstar special पे ये वेब सीरीज आ रही है, 3 मई को शुरू हो रही है, City of Dreams. इसको बनाया है नगेश कुकुनूर और कुकुनूर प्रोडक्शंस ने और अप्लॉज के साथ मिलकर उन्होंने ये कलाकृति बनाई है जिसमें कि हम दोनों हैं और हमारे साथ अच्छे अच्छे एक्टर्स भी हैं. हाँ, और काफ़ी ये पूरे वेब सीरीज़ का मराठी बैकग्राउंड है तो बहुत सारे मराठी एक्टर्स, लीडिंग मराठी एक्टर्स इस वेब सीरीज़ में होंगे. यानी कि अतुल कुलकर्णी जी है, उदय टिकेकर जी है, प्रिया बापट है, सचिन सर है, मैं हूँ और भी बहुत सारे मराठी एक्टर्स इसमें शामिल हैं. लेकिन सिर्फ मराठी एक्टर्स नहीं,
चूँकि ये एक हिंदी भाषिक सीरीज है और साथ साथ हिंदी के अलावा 6 और भाषाओं में इसको डब भी किया गया है। yeah. जैसे कि हिंदी के साथ साथ मराठी है, बांग्ला है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ा है, तो 7 भाषाओं में विद ओरिजिनल वन लैंग्वेज विच इज हिंदी या हिंदुस्तानी जिसे कहते हैं। जी अच्छा, कितना डिफरेंट होता है एक वेब सीरीज में काम करना, फिल्मों या सीरियल्स में काम करना? आपको आप वेब सीरीज जब बोलते हैं तो फिल्म बोलते हैं, आप वेब सीरीज जब बोलते हैं तो टीवी सीरीज बोलते हैं, तो इसी में डिफरेंस है। देखिए, मेहनत तो एक ही होती है, चाहे हम फिल्मों में काम करें या फिर वेब सीरीज़ में काम करें या फिर टेलीविज़न और थिएटर में काम करें, मेहनत तो वही होती है। लेकिन आप ऐसा सोच सकते हो कि वो कलाकृति बनाने का ज़रिया अलग होता है, वो हर एक ऑडियंस को दिमाग में रख के बनाया जाता है। सो टेलीविज़न एक किस्म के ऑडियंस को दिमाग में रख के बनाया जाता है, वैसे ही ये वेब सीरीज़ एक ऑडियंस को दिमाग में रख के बनाया गया है। एंड आई मस्ट से इसका ऑल ओवर, अगर ये मराठी वेब सीरीज़ नहीं है लेकिन इसमें मराठी एक्टर्स है, मराठी बैकग्राउंड है, महाराष्ट्र का बैकग्राउंड है, लेकिन ये स्टोरी इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है, ये बिहार में भी हो सकता है, ये राजस्थान में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है। सो ओनली द बैकग्राउंड इज़ मराठी बट द स्टोरी इज़ यूनिवर्सल, द स्टोरी इज़ इंडियन, प्योर इंडियन। हाँ, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी इसे देखा जाएगा और इसको सराहा भी जाएगा। सर, सचिन सर एक इंस्टीट्यूशन हम बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स सर का एक्सपीरियंस रहा, और कितना सीखने मिला मुझे या इसे? नहीं सर, सीखने को किस सीखने की ही बात कर रहा हूं। अरे सर, सीखने में ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो छोटे होते हैं उम्र में उन्हीं ने ठेका ले रखा है सीखने का और बड़े कुछ सीख ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ों का काम भी है सीखना, और जितने यंग लोगों के साथ आप काम करेंगे उतना आपको सीखना नसीब होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से उससे कभी शर्माइए मत और कभी उसको छोटा मत समझना कि अगर आपके उम्र में छोटे जो हों उनसे अगर सीखना नसीब हो रहा है तो यू आर लकी। आई एम द लकीस्ट देन आई वुड से कि मुझे सचिन सर के साथ दूसरी बार काम करने को मिल रहा है। एक मराठी फिल्म हमने पहली बार की थी, अभी इसमें काम करने को मिल रहा है। इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू वर्क विथ हिम बिकॉज वो है सीनियर, हम सब जानते हैं, लेकिन वो दिखाते कभी भी नहीं है। ही इज़ सो डाउन टू अर्थ, ही विल डू थिंग्स फॉर यू आउट ऑफ द वे एंड ही विल ऑलवेज एनकरेज यू टू डू बेटर एंड बेटर इन एवरी सीन। सो दिस रेयरली हैपन्स and I must say that I'd love to work with Sachin sir whenever I get this chance to. Me too. नहीं, ये ड्रामा है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स को लेकर या उसके इंटीग्रिटीज जो होती हैं पॉलिटिक्स की, सिर्फ उस पर ही आधारित नहीं है, ये एक ड्रामा है और ड्रामेटिकली इसे नगेश कुकुनूर ने प्रेजेंट किया है। और अगर नगेश कुकुनूर ने अगर किया है तो उसमें कोई तो बात होगी, वरना नगेश कुकुनूर ऐसा आदमी तो है नहीं कि वो किसी भी चीज़ को हाथ लगा दे। आप लोगों को क्या खास बात लगी इसमें करना ही ये चीज़, क्योंकि सर आप दोनों के दोनों काफ़ी चूसी है प्रोजेक्ट को लेकर? जब हमें स्क्रिप्ट दी तो उस पर लिखा था सिटी ऑफ ड्रीम्स डायरेक्टेड बाय नगेश कुकुनूर, तभी हमने तय कर दिया कि ये करना है हमें। So whenever... नहीं, क्योंकि अदरवाइज वो हमारे बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर उन्होंने सोचा है तो कोई कारण तो होगा और वही कारण हमारे लिए काफी है इसको करने के लिए। सिटी ऑफ ड्रीम मुंबई को भी कहा जाता है? जी बिल्कुल, मुंबई को भी नहीं, मुंबई को ही कहा जाता है, मुंबई को ही कहा जाता है। कोई एक ड्रीम एक्टर को एक्टर बनने के अलावा जो लेके आए तो पूरी हुई हो जो हमसे शेयर कर सके? मेरे तो बहुत सारे ड्रीम्स है अभी एक्टर बनने के अलावा। जो मुंबई में पूरी हो गई वो? मुंबई में पूरी हो गई हो, देखिए मैं जब मुंबई आया था, मेरा एक सपना था कि खुद की गाड़ी हो जिंदगी में, तब नहीं ले सकता था क्योंकि उतना मैं कमा नहीं रहा था। लेकिन थैंकफुली एंड फॉर्चुनेटली व्हेन आई शिफ्टेड टू मुंबई आई गॉट द कैपेसिटी टू बाय अ न्यू कार। सो अगेन इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, आप यहाँ पे आओ, मेहनत करो, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे
जो लगती है वो मेहनत है. आप मेहनत करो, आपके सपने साकार ज़रूर होंगे. बचपन में मैं टाउन जाया करता था ओपेरा हाउस के साइड पे, और वहाँ पे गौतम राजा दीक्षित जी का स्टूडियो भी हुआ करता था, मुझे याद है. तो उस रास्ते पे, ओपेरा हाउस के रास्ते पे एक ही मर्सिडीज की शोरूम थी, एक ही थी. अभी तो आप काफ़ी जगहों पे उसे देखते हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही थी. और वहाँ पे मैं घंटों बाहर फुटपाथ पे खड़े होके शीशे के अंदर देखा करता था और ऐसा सोचता था, एक सपना था, एक ड्रीम था, यार एक दिन मैं मर्सिडीज खरीदूं, ऐसा मेरा ड्रीम था. और मुंबई ने वो ड्रीम पूरा कर दिया है, मैं मुंबई का आभारी हूँ. इसके साथ से इलेक्शन भी सर पर है जी, वोटिंग के लिए लोगों को अपील कर दीजिए. जी देखिए, वोटिंग करना यानी मतदान करना बहुत ज़रूरी है. और क्या आप जानते हैं कि मतदान करना सिर्फ सेलिब्रिटीज का काम है? जी हाँ, क्योंकि जो मतदान करता है वो अपने आप सेलिब्रिटी बन जाता है. यानी कि आपको सेलिब्रिटी बनने का मौका है, इसलिए मतदान कीजिए, अपने अधिकार का उपयोग कीजिए, अपनी ताकत का उपयोग कीजिए और अपने देश को बनाइए. जी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा समाज चाहिए, तो सिर्फ मेहनत करने से और पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा. आपको वोट करना ज़रूरी है, क्योंकि वोट करने के बाद ही आपको एक चांस मिलता है पैसे कमाने का. और इट्स अ सर्कल, ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है. वोट करने के बाद ही आपको हक है कि आप गवर्नमेंट से जो आपको मिलता है उस पर कंप्लेन करें या फिर अप्रिशिएट करें. सो ये दोनों करना है, तो वोट करना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. और अगर आप शादीशुदा हैं तो मैं तो चाहूँगा कि कम से कम 5 साल में एक बार तो आपको मौका मिलना चाहिए अपना मतदान करने का, अपना मत जो है उसको सामने लाने का. Very excited, I think, because I've, you know, it's, there are two reasons for that. One is that I've recently done a show with applause, that is criminal justice, जिसको बहुत appreciate किया गया है. So this is the second offering and this feels like family now. एंड दूसरा ये कि मैं नागेश सर के साथ मैं काम कर चुकी हूँ. आई डन अ मूवी विथ हिम कॉल्ड माया एंड आई रियली अडोर हिम, आई लव हिज वर्क. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ ही हैज यू नो टर्न्ड हिज जीनियसेस इनटू अ वेब सीरीज नाउ. प्रोमो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत उमदा है. बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. इट्स अ वेरी डिफरेंट वेब सीरीज एंड कूडोज़ टू अप्लॉस कि वो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट सेंसिबिलिटीज के साथ काम कर रहे हैं. जी जी, नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? थ्रिल, एक्साइटमेंट एंड ग्रेट वर्क. सॉरी, ओके. सो देयर इज सेक्रेट गेम्स पार्ट 2 व्हिच इज कमिंग अप एंड देयर इज अ वेब सीरीज दैट आई एम डूइंग विद वूट कॉल्ड असुरा. एंड एक फिल्म भी है, उसके अनाउंसमेंट थोड़े दिनों में होगी. अच्छा, इस बारे में मुझे नहीं पता. ऑफकोर्स एज यू ऑल नो, हिंदी इंग्लिश हिंदी. जैसे कि आप लोगों ने ट्रेलर देखा है और आपको पता है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है, तो ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, ये राइवलरी है दो एक भाई और बहन के बीच. लेकिन ये इससे भी और इसमें बहुत सारे लेयर्स भी है. ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये बम्बई शहर से जुड़े बहुत सारे ऐसी कहानियाँ हैं जो ऐसे पॉलिटिकल एक इंसिडेंसेस के बाद कैसे उन पे क्या परिणाम होता है, इसकी भी कहानी है. तो ये ब्रदर सिस्टर राइवलरी ज़रूर है. एंड आई एम प्लेइंग पूर्णिमा गायकवाड़, हु यू कैन टेक अ लुक एट. आई एम प्लेइंग अ वुड बी पॉलिटिशियन और द वन हु वांट टू बी अ पॉलिटिशियन काइंड ऑफ अ रोल. She is a power woman. She is fearless. She is very focused. She is very balanced. She knows what she is doing, and she is limitless. And for me, Purnima Gaikwad is, she is this. पूर्णिमा गायकवाड़ और मेरे मुझ में सिर्फ 20% सिमिलैरिटीज है शायद, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा बोलती हूँ उतना ही वो कम बोलती है. मैं जितनी चुलबुली हूँ उतनी वो शांत है. मैं जितनी आउटस्पोकन हूँ उतनी ही वो इंट्रोवर्ट है. और
या आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ है जो उसमें है मुझ में नहीं है, एंड हम दोनों में यही डिफरेंस है. सो वी आर डिफरेंट, बट जो हमारी हम में जो सिमिलैरिटीज़ है वो ये है कि हम दोनों ही बहुत एम्बिशियस है. एक बार ठान ली तो कर दिखाते हैं, और अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं. सो I've actually played a lot of different characters, not only bubbly, but nothing so serious and so composed before, for sure. So, आप अगर पूछ रहे हैं कि अगर मुझे क्या तैयारी करनी पड़ी, तो मैंने किसी एक political reference को follow नहीं किया, because मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगी. I felt that the script that's given to us, that was given to us, was the ultimate thing for me. और हमने यही कोशिश की है कि जो हमारे राइटर्स ने लिखा है और हमारे जो डायरेक्टर की विजन है, वो जो चाहते हैं वही आपके सामने पेश करें. और मैंने इसलिए होमवर्क सिर्फ उतना किया जितना 10 एपिसोड का स्क्रिप्ट मुझे दिया गया था. इट वाज वंडरफुल. सिद्धार्थ के साथ मैंने पहले भी काम कर चुकी हूँ मराठी फिल्मों में, यहाँ पे लेकिन फिर भी अलग था, क्योंकि हमने कपल प्ले किया है. यहाँ पे हम लोग भाई बहन हैं, लेकिन हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री फिर भी अच्छी है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं. विद सचिन सर एंड एजाज आई हैव वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई हैव दिस कंप्लेन दैट आई डिडंट शूट विद देम फॉर अ लॉन्गर टाइम. मेरा उनके साथ काम पूरे शेड्यूल में कुछ सिर्फ दो दो दिन ही था, ज़्यादा काम साथ में नहीं था, बट आई हैड अ लवली टाइम वर्किंग विद देम टू. एक खासियत है हर एक एक्टर की, जो अपना अपना किरदार यहाँ पे प्ले कर रहा है, वो जो जब भी हम लोग सेट पे आते थे, हम लोग इजाज़ इजाज़ है, प्रिया प्रिया है, सिद्धार्थ सिद्धार्थ है, सचिन सर है, ये सब हम वैन में छोड़ के आते थे. जब हम सेट पे आते थे तब हम हमारा किरदार होते थे, और इसलिए हमारा रिलेशनशिप सेट पे भी वैसा ही होता था जैसे कि उस सीन के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वैसे. अगर हमारा ये सब पब्लिसिटी कैंपेन जो है, जो लोगों को बता रहा है कि काबिलियत को वोट करो और बाहर जाके वोट करो, तो अगर ये हम कह रहे हैं और लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और बाहर जाके काबिलियत को चुनते हैं जो भी उनको लगे कि काबिल है, तो सही बात है. इसके अलावा आए दिनों के कोई पार्टी को चूज करना है कि पॉलिटिक्स में उतरना? मैं पॉलिटिक्स में उतरना नहीं चाहती. थैंक यू. किरदार करूँगी क्योंकि मैं एक्टर हूँ और एक्टिंग करना मेरा काम है, वो मेरी पैशन है, और मैं काम करती रहूँगी. कि तो कल मैं अगर डॉक्टर का किरदार करूँ तो मैं थोड़ी क्लिनिक खोलने जाऊँगी. अगर मैं इंजीनियर बनूँ, मैं वकील बनूँ, एक कैरेक्टर प्ले करूँ, तो मैं थोड़ी कल से प्रैक्टिस शुरू करने जा रही हूँ. हाँ हाँ नहीं नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती. मैं एक्टर हूँ और एक्टिंग करना चाहती हूँ. दैट्स इट. IPL नहीं फॉलो कर रही हूँ. अच्छा, वोटिंग के लिए एक मैसेज दे दीजिए. आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि वोटिंग करना हमारा कर्तव्य है, अधिकार तो है ही लेकिन कर्तव्य है, तो प्लीज़ जाके मतदान कीजिए. पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट इज सिटी ऑफ ड्रीम्स, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू वॉच द स्क्रीनिंग. जो दो बंदे यहाँ दिख रहे हैं, ये प्रिया और सिद्धार्थ, दे बोथ आर माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड दे हैव इन्वाइटेड मी फॉर दिस स्क्रीनिंग. सो आई एम वेरी ईगर टू वॉच. आई एम अ बिग फैन ऑफ नागेश जी, सो आई एम डेस्परेट टू वॉच इट. लेट्स सी. हाँ, बहुत एक्साइटमेंट हुई थी. फर्स्ट ऑफ ऑल माई very close friends are working with Nagesh ji, that's a point of excitement basically. Sachin ji pun hai, and so Nagesh ji bahut din ke baad web series kar rahe hain, to very eager to watch it. Acha, Marathi web series abhi aane lagi, pehle English mein theek hai, to uske baare mein aap kya kehenge? Ha, bahut achhi baat hai. Jis tarah ka market marathi filmon ka badh raha hai ya fir marathi plays ka badh raha hai,
उस तरह मराठी वेब सीरीज भी आनी चालू हुई है, तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी पॉजिटिव मूवमेंट फॉर अस। बैन नहीं हो रही है, पोस्टपोन हो रही है, हाँ पोस्टपोन हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल लिमिटेशंस, पॉलिटिकल बाउंड्रीज। सो जो भी जिस किसी पॉलिटिशियन के ऊपर फिल्म आ रही है, अगर वो चुनाव में उस पर खड़ा है तो वो प्रोजेक्ट नहीं आ सकता, तो दैट इज पॉलिटिकल बाइंडिंग, सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, बट वी गो फॉरवर्ड एंड वी हैव टू वेट फॉर द प्रोजेक्ट टू कम। दैट डिपेंड ऑन व्हाट इज द मोटो ऑफ द क्रिएटर, अगर क्रिएटर चाहते हैं कि इन्फ्लुएंस हो इलेक्शन तो होना चाहिए, अगर वो नहीं चाहते तो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आईपीएल कितना फॉलो कर रहे हैं? IPL बहुत फॉलो कर रहा हूँ, हाँ फेवरेट टीम, फेवरेट प्लेयर, ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस, और लेकिन फेवरेट प्लेयर मेरा रसेल है, विराट है, अजिंक्य रहाणे हैं, स्मिथ है, बट माय ऑफ कोर्स माय फेवरेट टीम शुड बी मुंबई इंडियंस। हाँ वोटिंग बहुत कम हो रहा है, पुणे में भी बहुत कम वोटिंग हुआ, दिस इज नॉट गुड साइन, वोटिंग करना चाहिए, हम लोगों का कर्तव्य है वो, इट्स आवर ड्यूटी, सो प्लीज़ गो एंड वोट। ओह ये एपिसोड देखने के पहले या देखने के बाद? वेल अच्छा है अगर लोगों को पसंद आए, ये फॉर्मेट तो बिल्कुल नया है और ये मेरी पहली वेब सीरीज है, सो लेट्स सी हाउ द ऑडियंस रिएक्ट्स। वेल जैसे सर ने कहा, विच इज़ ट्रू, ये फॉर्मेट नया है और जो लोग पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानते उनको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में, अंदरूनी क्या कुछ चलता है। सो इसके अलावा हम जिनसे भी बात की उन्होंने कहा कि उनका फॉर्मेट नहीं था लेकिन उन्होंने हट के कुछ किया, कुछ डिफिकल्टीज आई और कितना रिसर्च करना पड़ा? वेल अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हो तो उसमें रिसर्च तो करना ही पड़ता है, और राइटर होने के एक एडवांटेज ये है कि हर चीज़ में आपको जानकारी ना भी हो तो चलेगा, एंड रोहित मेरे साथ था और वो पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड है, सो टुगेदर वी रोट। आप क्या कहना चाहेंगे और कितने रिव्यूज देंगे? 5 out of 5 definitely. there's no doubt, not even a flicker of doubt. Like I said when I was watching it, जबकि ये फिक्शन है लेकिन ऐसे लग रहा था ये सब ट्रू इंसिडेंट्स पे इतना क्लोजली बेस्ड है कि बहुत बहुत करीबी लग रहा था, बीइंग फ्रॉम बॉम्बे नोइंग मुंबई पॉलिटिक्स। नहीं बताऊंगी कुछ रिसर्च पब्लिक को भी करनी चाहिए। एग्जैक्टली, और पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी अवेयर होना चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट काम है, हम एक दिन वोटिंग का मिलता है उसमें भी छुट्टियां मनाते हैं, सो हमें कुछ अगर मैं बता दूंगी तो मज़ा नहीं आएगा। इससे क्या मैसेज मिलेगा लोगों को कि वोट? वेल हर चीज़ से मैसेज तो मिलना करके कोई ज़रूरी नहीं है, पर आई थिंक अगर ऑडियंस एंटरटेन हो जाते हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट अ शो मेकर कैन होप फॉर। बेहतरीन, बहुत खूब। शूट जब कर रहे थे तब पता ही नहीं चल रहा था कि कैसी मोड लेगी ये सीरियल, ये शो सीरीज जो भी है, लेकिन देखने के बाद नागेश सर ने तो कमाल कर दी, और उनका ये जॉनर है नहीं ऐसी सीरीज बनाने का, ना ऐसी कभी फिल्म उन्होंने बनाई है, बट दिस वाज आउटस्टैंडिंग, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। सबसे खास बात क्या लगी पूरी वेब सीरीज में? एक ही एपिसोड देखा है तो अब मैं ज़्यादा मैं रिवील नहीं करना चाहता, मैं भी इस सीरीज का हिस्सा हूँ, लेकिन बहुत पकड़ के रखा है सीरीज को। ऐसा लगता है मैं तो सोच रहा था कि अब दूसरा एपिसोड भी दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली दूसरा एपिसोड नहीं दिखाएंगे, तो आई डिडंट वांट इट टू एंड, खत्म ही नहीं। प्रोमो को भी काफी सराहा लोगों ने जी, कितनी खरी उतर पाई है और क्या इंपैक्ट कर पाई? बहुत बहुत खरी उतर पाई। प्रोमो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि
प्रोमो से ज़्यादा ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल है ऑब्वियसली, पूरा एपिसोड जब आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इम्पैक्टफुल हो गई, लेकिन प्रोमो भी बहुत ही इम्पैक्टफुल रहा। तो वेबसाइट जब इंडिया में फेमस नहीं थी तब से आप वेबसाइट का पार्ट है जी, तो अभी जो हाल है क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं अगर ना बोलूँ तो अच्छा है, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं घुसना चाहता हूँ। सबका अपना अपना एक नज़रिया है, उनका हक है, वो जो भी करना चाहते हैं वो करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक हद तक अगर वेब सीरीज़ बनाएं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। न्यू कमर्स के लिए कितना बहुत कमाल, न्यू एक्टर्स के लिए नहीं, मैं टेक्नीशियंस की भी बात कर रहा हूँ, कितने लोगों को काम मिला है, लाइट मैन है, स्पॉट बॉयज हैं, जो भी बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा काम हो गया है वेब सीरीज होने की वजह से, तो बहुत ही अच्छी बात है। इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन की अपील कर दीजिए लोगों से, वोट कीजिएगा, मैं ज़रूर वोट करूँगा 29th को मुंबई में वोटिंग है, वोट ज़ाया मत होने दीजिएगा, ज़रूर वोट कीजिएगा।